हेलो दोस्तों, आई एम सार्थक एंड यू आर वॉचिंग बियॉन्ड लिमिट्स। तो काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया जेई के लिए कौन सी बुक्स यूज करें, इस पे वीडियो बना दो। सो हियर्स एवरीथिंग दैट यू नीड। तो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं कि एंड मैं ये बताना चाहूंगा कि एंड रेदर देन कि मैं दो मिनट में से बुक्स के नाम बता के वीडियो खत्म कर दूं, इसकी बजाय मैं कोशिश करूंगा कि वो मिस्टेक्स भी कवर करूं जो कि बच्चे जनरली करते हैं व्हाइल सॉल्विंग रेफरेंस मटेरियल। बिकॉज दोस्तों, हमें यह समझना जरूरी है कि रेफरेंस मटेरियल कहीं ना कहीं सेम है एंड सब लोग वही चीज कर रहे हैं, बट स्टिल कुछ टॉप 100 टॉप 1000 में आ जाते हैं एंड कुछ को सिलेक्शन करवाने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो बिफोर स्टार्टिंग विद फिजिक्स, वन पॉइंट जो हमें बहुत जरूर से ध्यान में रखना है कि वी नीड टू फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्ट हायरार्की ऑर्डर। हम 10 क्वेश्चन इस बुक से कर लें एंड 10 क्वेश्चन उस बुक से कर लें तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। हमें बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक होना पड़ेगा, और ऐसे करने में हम लोग सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन हर बुक से कर लेंगे, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। विद फिजिक्स, फर्स्टली इन हायरार्की ऑर्डर वी हैव इत्सी वर्मा। इसमें थियोरी से लेके सॉल्व एग्जांपल से लेके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तक सब पूरा कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपको एक पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हर चैप्टर की। नाउ नेक्स्ट, हमें कोचिंग मटेरियल पर फोकस करना है एंड कोशिश करना है कि हम वो पूरा अच्छे से क्लियर कर लें। इसके बाद आती है डीसी पांडे और बीएम शर्मा। ये दोनों बुक्स के लेवल लगभग सेम है एंड हमें इन दोनों में से किसी एक पे स्टिक रहना है, दोनों पे हैंग आउट नहीं करना है किसी भी कारण से। एंड अगर जैसे आप कोचिंग मटेरियल कर चुके हो तो आप ट्राई कर सकते हो कि आप डीसी पांडे पे फोकस कर लो, क्योंकि उसमें जनरली क्वेश्चन का नंबर कम रहता है एंड मे बी यू कैन स्किप द लेवल वन ऑफ डीसी पांडे अगर आप चैप्टर में कॉन्फिडेंट हो। एंड अगर आप कोचिंग मटेरियल पे फोकस नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, देन बीएम शर्मा इज बेस्ट। उसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो एंड यू विल गेट अ कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ द चैप्टर। एंड नाउ कमिंग ऑन टू थियरी पार्ट, मैं पर्सनली बीएम शर्मा यूज करता था फॉर थियरी, कि अगर मेरे को कोई भी सब टॉपिक अनक्लियर था रहता था तो मैं उससे पढ़ लेता था एंड देन मैं उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेता था एंड उसमें काफी क्लैरिटी हो जाती थी हर चैप्टर में। एंड नाउ मूविंग ऑन टू ओलंपियाड्स एंड ऑल, तो उसके लिए वी हैव पाथफाइंडर, आई रोडोव एंड क्रोटोव। मैं पर्सनली किसी भी बुक को सॉल्व नहीं किया है तो मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगा। जेई मेंस एंड एडवांस के थोड़ा ऊपर लेवल की बुक्स हैं, तो पर्टिकुलरली मेंस और एडवांस के तो इन्हें सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट मेनली फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, तो इसे बिल्कुल चाट लो। इनऑर्गेनिक में तो एडवांस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ जाते हैं, तो एनसीईआरटी पे पूरा फोकस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ कमिंग ऑन टू रेफरेंस बुक, स्टार्टिंग विथ इनऑर्गेनिक, फर्स्ट कम्स द कोचिंग मटेरियल, उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर लो। देन वी हैव वी के जायसवाल और के कुमार, दोनों लगभग सेम लेवल की बुक्स है, दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो। एंड जैसी एक बुक कंप्लीट हो जाती है, रैदर देन स्विचिंग ऑन टू नेक्स्ट बुक, उसी बुक को वापस एक और बार सॉल्व करने पे ध्यान दो, क्योंकि दोस्तों इनऑर्गेनिक इज नॉट द सब्जेक्ट जहां पे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने की जरूरत है। इसकी बजाय इसमें आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि सिलेबस तो रिस्ट्रिक्टेड है, उन्हीं कुछ टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आने वाले फाइनल एग्जाम में, तो रिपीटेशन की आदत हमें इनऑर्गेनिक में डालनी है। नाउ फॉर ऑर्गेनिक पार्ट, फर्स्टली हमेशा कोचिंग मटेरियल आएगा, देन सेकेंडली वी हैव हिमांशु पांडे एंड एम एस चौहान। तो एम एस चौहान स्लाइटली थोड़ा टफर साइड रहती है, बट ठीक है, मोर ऑर लेस लेवल सेम ही रहता है। हिमांशु पांडे में क्वेश्चन की क्वांटिटी ज्यादा है, एम एस चौहान में कम है, तो यू नीड टू बी वेरी वाइस एंड स्मार्ट। आपका टाइम देखो आपके पास कितना है एंड उस हिसाब से आप कोई सी भी एक बुक पिक करो और उसे खत्म करो। हिमांशु पांडे में आई वुड प्रिफर कि आप के पास अगर टाइम कम है तो आप लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 खत्म करके किसी चैप्टर को उस पे एंड कर सकते हो। एंड सिमिलरली अगर आप एमएस चौहान कर रहे हो तो एमएस चौहान में तो पूरा चैप्टर ही आप खत्म कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं एक और पॉइंट कहूंगा जो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कह चुका हूं, कि कोई भी ऑथर जब बुक लिखता है
तो वो ये सोच के नहीं लिखता कि बच्चा ये पर्टिकुलर टॉपिक्स मेरी बुक से कर लेगा एंड बाकी बचे हुए किसी और ऑथर की बुक से कर लेगा। ही ट्राइज कि वो आपको एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर सके। तो इस मिथ को तो अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दो कि मेरे को रैंडम बहुत सारी बुक्स करनी पड़ेगी जेई एडवांस के लिए भी या जेई मेंस के लिए भी। कोई एक बुक पे स्टिक रह के भी आप दोनों एग्जाम्स में बहुत मचा सकते हो। नाउ फॉर फिजिकल पार्ट वी हैव फर्स्टली तो कोचिंग मटेरियल आएगा, देन सेकेंडली वी हैव एन अवस्थी एंड नीरज कुमार। मुझे नीरज कुमार थोड़ी ज्यादा पसंद है बट स्टिल एन अवस्थी भी बहुत अच्छी बुक है एंड पर्टिकुलरली फॉर एडवांस नीरज कुमार में थोड़े ज्यादा अच्छे और थोड़े ज्यादा एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो एंड उस पर स्टिक रहना बिल्कुल। लॉ फॉर मैथ्स कोचिंग मटेरियल मैथ्स में जनरली हर किसी भी इंस्टीट्यूट का काफी अच्छा होता है, तो फर्स्टली तो उस पर ही फोकस करो। देन नेक्स्ट इन द लिस्ट वी हैव सिंगेज की 5 बुक्स जो कि मैथ्स के लिए आती है। तो यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि सिंगेज में हर चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, तो रेदर देन सॉल्विंग सारे क्वेश्चंस आप ऐसा कर सकते हो कि आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, देन फोर्थ करो, देन सेवेंथ करो एंड इस तरह आप किसी भी चैप्टर को खत्म करो। तो इससे ये होगा कि आपके किसी भी सब टॉपिक के क्वेश्चन स्किप नहीं होंगे एंड आपको पूरा चैप्टर करने का जो कॉन्फिडेंस है वो भी आ जाएगा। एंड फर्दर अगर आपको सिंगेज पे शिफ्ट नहीं होना है तो देन वी हैव अ ब्लैक बुक नेम्ड एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स बाय पंकज जोशी सर एंड विकास गुप्ता सर। ये भी काफी अच्छी बुक है जो कि एक शॉर्ट एंड कंसाइज वे में सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट से आपको गो थ्रू करवा देती है एंड जेई मेंस के लिए तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक है। नाउ मूविंग अहेड पर्टिकुलरली फॉर कैलकुलस पार्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी बच्चे एडवांस फोकस कर रहे हैं वो समीर बंसल तो जरूर से एक बार अटेम्प्ट करें, बिकॉज ये एक ऐसी बुक है जो कैलकुलस में आपको सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट से एक ग्लिम्स देगी और इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा आपकी प्रिपरेशन में। सो दिस वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू से। ये बुक्स मैंने भी सॉल्व करी थी एंड दीज आर मोर देन सफिशियंट टू सिक्योर एनी रैंक राइट फ्रॉम AIR1। एंड मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो किसी भी पब्लिकेशन या ऑथर के थ्रू स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो कोई लोड नहीं है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और खूब पढ़ते रहो यार और मचा दो।